नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं 2 दिन से मास्टर क्लास, सिक्स्थ मास्टर क्लास इन लंग कैंसर इस कॉन्फ्रेंस के मार्फत। और यहाँ पे बहुत सारे ऑन्कोलॉजी से मैंने बातें करी हैं, सेशन अपडेट्स आपको दिए हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर विजय पाटिल जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस कॉन्फ्रेंस के, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हिंदुजा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक। हमें ये बताइए कि ये जो कॉन्फ्रेंस जो 3 दिन से चल रही थी और काफ़ी, मतलब मैंने देखा कि एकदम इंटेंस वर्कशॉप्स हैं, मतलब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस बहुत कम ही देखने मिलती है जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक टाइट शेड्यूल होने के बाद भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। मतलब मेरे ख्याल से हर रोज़ जो है मैंने कम से कम 100 लोगों को तो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट देखा है, और भी ज़्यादा होंगे शायद, दूसरी वर्कशॉप चल रही है दूसरे पैरेलल सेशंस में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बार, क्या आपको लगता है कि क्या हम डिलीवर कर पाए टू दी ऑडियंसेस और अगले साल की क्या प्लानिंग है? तो लंग मास्टर क्लास ये सोच के बनाया गया है कि जो यंग ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है उनको पूरा बेसिक लंग कैंसर के बारे में सिखाया जाए। तो यहाँ पे पूरा बेसिक से सिखाया जाता है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि इनको लंग कैंसर है, लंग कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, अर्ली स्टेज लंग कैंसर आता है तो सर्जरी के बारे में, रेडिएशन के बारे में, कौन से कीमोज देने, कैसे देने, उसके बारे में सिखाया जाता है। जब लोकली एडवांस लंग कैंसर आता है तब नए नए थेरेपीज कैसे देना होता है, रेडिएशन के साथ कीमो का कॉम्बिनेशन कैसे करना चाहिए आइडियली, किस तरह से हम इन पेशेंट्स को ना केवल ठीक करें बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें, लंबे एक बार ठीक होने का इनका फॉलोअप कैसे होना चाहिए, ये डिस्कशन होती है। अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर मेजोरिटी पेशेंट में एडवांस स्टेज में पाया जाता है। तो जब ऐसे होता है तो कौन से मॉलिकुलर टेस्ट करने चाहिए, कौन से इम्यूनोथेरेपी के मार्कर्स होने चाहिए। अभी लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है, 15-20 साल पहले अगर किसी को स्टेज 4 लंग कैंसर हो जाता तो हम कहते कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट का लाइफ स्पैन 1 साल से कम है। आज अगर पेशेंट्स का म्यूटेशन पॉजिटिव आता है जो करीबन 50-60% पेशेंट का आता है, या फिर इम्यूनोथेरेपी के मार्कर्स पॉजिटिव आते हैं, अगर म्यूटेशन पॉजिटिव है तो 50-60% पेशेंट 5 ईयर्स के आगे तक चले जाते हैं, 10 ईयर्स तक 30-40% पेशेंट चले जाते हैं। अगर इम्यूनोथेरेपी के मार्कर्स पॉजिटिव आते हैं तो सिमिलर ऐसे ही 5 साल तक 30-40% पेशेंट ठीक रहते हैं, 10 साल तक करीबन 10-20% पेशेंट ठीक रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अभी ये जब इस तरह का चेंज आता है और हर म्यूटेशन अलग अलग है, EGFR की म्यूटेशन का ट्रीटमेंट अलग है, ALK की म्यूटेशन का ट्रीटमेंट अलग है, ROS का ट्रीटमेंट अलग है, तो ऐसे तो करीबन हमारे पास 15-20 टाइप के अलग अलग म्यूटेशन है। उसमें भी अगर हम EGFR को देखें, अगर जैसे हम मान लो हम इंडियन कहते हैं, इंडियन में नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, कोई ओडिशा से हो सकता है, कोई बंगाल से हो सकता है, इस पर अलग अलग होते हैं, हम पहचान लेते हैं बहुत बार कि ये भाई साहब पंजाब से हो सकता है ये। उसी तरह EGFR के म्यूटेशन में भी अलग अलग टाइप्स हैं, इन अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी ये नुवांस समझने के लिए, ये मॉलिकुलर चीज समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि मॉलिकुलर चीज का इंटरप्रिटेशन समझा जाए। ये यहाँ पे सिखाया जाता है किस तरह से इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करें, इस पर क्या एक्शन मिले, अगर ये रिपोर्ट को आपको एक्शन करना है तो पेशेंट के लिए कौन सी ड्रग सबसे अच्छी होगी, जस्ट अच्छी नहीं होगी, उस ड्रग के साइड इफेक्ट कैसे ठीक करोगे, अगर इस बीमारी पे बीमारी फिर से बढ़ जाती है तो कौन से नए म्यूटेशन आते हैं, उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट करना है। बड़ा ये मेथोडिकल होता है, जैसे अगर EGFR पकड़े तो हम पहले सीखते हैं कि EGFR की टेस्टिंग को कैसे समझा जाए, फिर EGFR में सबसे पहले ट्रीटमेंट कौन सी दी जाए, इन पेशेंट को मॉनिटरिंग कैसे की जाए, अगर बीमारी बढ़ जाती है तो अभी कौन से टेस्ट करना है, उसके बाद कैसे किया। तो ये एक कंप्लीट पैकेज की तरह होता है, इस कारण ये काफी इंटेंस होता है। इनफैक्ट मैंने देखा कि पैलेटिव केयर पे भी एक वर्कशॉप था। करेक्ट, देखिए किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ कीमो देके रेडिएशन देके नहीं होता है, ये सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, पैलेटिव, ये चारों पिलर्स है जिसपे कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। साथ में सपोर्टिव केयर भी होना चाहिए, पल्मोनोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जेनेटिक वालों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मॉलिकुलर वालों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फिजियोथेरेपी वालों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, NGO का, सोशल वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसीलिए जब ये मास्टर क्लास की प्लानिंग होती है तब इन सारे रिप्रेजेंटेटिव को हम एक साथ लेके आते हैं, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं होलिस्टिक केयर, मतलब कंप्लीट केयर पेशेंट का लेना चाहिए तो ही पेशेंट को फायदा होता है। और ये इस पूरी 3 दिन की इंटेंस कॉन्फ्रेंस में, इसको हम मास्टर क्लास कहते हैं, इसे कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कहते क्योंकि ये मास्टर क्लास है लंग के ऊपर और इसमें ये पूरा सिखाया जाता है बर्डिंग मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो जैसे हम जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मेडिकल ऑन्कोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं नेशन वाइड, ना सिर्फ वी डोंट हम किसी शहर को या स्टेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते,
ऑल इंडिया से जो सेकेंड और थर्ड ईयर है, जो बच्चे आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, हम उन सबको स्पॉन्सर करके यहाँ ले आते हैं, सो दैट दे डोंट कोई फाइनेंस से कोई आ नहीं पाए, ऐसे ना हो जाए. बिकॉज हमें लगता है कि अगर हम इनको ढंग से सिखाएंगे तब जाके ये ढंग से प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप देश का क्रिकेट का स्तर ऊपर आ जाएगा. बहुत उम्दा बातें बताई डॉक्टर विजय पाटिल ने, जो कि एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं फॉर मास्टर क्लास इन लंग कैंसर. इस मास्टर क्लास में अभी कॉन्फ्रेंस नहीं बोलूंगा उसको. एंड अगर आप मेडिकल ऑन्कोलॉजी से जुड़े हुए या ऑन्कोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लंग कैंसर में प्रैक्टिस करते हैं या एस्पायरेंट हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस को कभी भी मिस मत कीजिए. हर साल होती है ये. एंड अगर आपसे ये मिस हो गई है बाई एनी चांस, तो कैंसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक फाउंडेशन CRSF, ये एक वेबसाइट है, इसका पता है CRSF.IN. यहाँ पे सारा कंटेंट जो है आपको वहाँ पे मिल जाता है और आप उसे ब्राउज कर सकते हैं. और अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो बहुत सारे मेंटोर्स हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर विजय, आप बिल्कुल बेझिझक आप उनसे जो है सवाल पूछ सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस फॉर लास्ट 3 डेज एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैविंग यू टुगेदर विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.